खिलाफ जारी जंग में लॉकडाउन का अनुपालन कराने के लिए प्रशासन प्रतिदिन नया तरीका अपना रहा है। लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंस बना रहे उसके लिए अयोध्या में रुदौली नवीन सब्जी मंडी में टोकन सिस्टम की शुरुआत की गई। मंडी सचिव विनय शंकर राय ने बताया कि लॉकडाउन के बीच प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार मंडी में टोकन सिस्टम लागू किया गया है ताकि मंडी में भीड़ एकत्रित न हो। इसके लिए मंडी 3 शिफ्ट में चलेगी जिसमें पहली शिफ्ट सुबह 5 बजे से 6 बजे तक, दूसरी 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक और तीसरी शिफ्ट 8:30 से शुरू होकर 9:30 बजे तक चलेगी। पहले एवं दूसरी शिफ्ट में करीब 400 लोगों को ही मंडी में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। मंडी में लॉकडाउन लागू करने के लिए भीड़ भाड़ न हो इस समय टोकन व्यवस्था लागू किया गया है। सुबह 5 बजे तक आढ़तिया, पल्लेदार, तोलक और किसान मंडी के अंतर्गत आ जाएं और 5 बजे के बाद 3 शिफ्ट में मंडी खरीदारों के लिए बनाया गया है। 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक, 6:30 से लेकर के 8 बजे तक, 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक और ऊपर, ताकि भीड़ भाड़ से बचाव हो सके। हर आढ़तिया गोला बनाया हुआ है सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करते हुए भीड़ भाड़ कम किया जा रहा है। हर आढ़तिया अपने सामने बाल्टी, लोटा, साबुन रखा हुआ है। पोस्टों पर भी वाटर पोस्टों पर भी पानी है ही और इसके साबुन रखे गए हैं ताकि हाथ को धुलवाया जा सके। बार बार अनाउंस भी किया जा रहा है कि व्यवस्था बना के ही रखना है जिससे लॉकडाउन पालन हो सके।